खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जहां पर महाराजगंज अग्रसेन इंटर कॉलेज के कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय संस्था मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निबंध लेखन पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को प्रस्तुत पत्र दिया गया, जबकि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह द्वारा सभी सहायता समूहों को 3,11,00,000 का चेक दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्या है, किस तरह का? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद जो उन्होंने कई अभियान चलाए, उसमें से एक विशेष रूप से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने प्रारंभ कराई, और उसके माध्यम से जो हमारे देश के भीतर लिंग का अनुपात में काफ़ी अंतराल हो रहा था, पुरुषों की संख्या में बालिकाओं की संख्या कम थी और उसके पीछे जो है भ्रूण हत्या कारण बताया जा रहा था, तो इसलिए बेटियों को भी बराबर का सम्मान मिले, उनको बराबर का दर्जा मिले, उनके पढ़ाई की व्यवस्था किया जाए और बेटियों को अवसर मिले, उस दृष्टि से उन्होंने बेटियों को संरक्षण दिए जाने के लिए कि बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है, उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। और इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुतियों के पैदा होने से लेकर के उनके पढ़ाई तक की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में सुकन्या मंगला योजना के माध्यम से